भर भर के उसके दर्शन करने आ रहे हैं शिरडी में। इस गांव के लोगों के दृष्टि में न जाने वो क्या बन गया है। सबके सामने उसने राणू जी को ठीक किया, सबके सामने उसने अप्पा जी की फसल बोली के लिए तैयार करवा दी, शक्ति प्रदर्शन किया सबके सामने उसने, और केवल मैं देखता रहा, केवल देखता रहा मैं। शक्ति प्रदर्शन किया उसने, वो उस साई ने। चार भूखे गरीबों को साथ खड़ा करके कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता है दादा। अगर असली शक्ति किसी के पास है ना, तो वो अंग्रेज सरकार के पास है, तुम्हारे पास है दादा। शिरडी में तुम आज भी जो चाहो वो आदेश बन जाता है दादा। सरकार, अनुमति हो तो प्रार्थना करूं। ए, तेरी पुष्टे यहाँ दास बन के रही, यही पे मरी, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी चलती बात में मुंह घुसाने की। तुझ में कहां से आ गई रे इतनी हिम्मत? हाँ जो नहीं दादा, ये जो बोल क्या है? मेरी पत्नी को बच्चा होने को है, और जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। अरे अभी अभी तो गया था ना तू, चुपचाप खड़ा रहे वहां पे। और ये पंखा घुमा पंखा ठीक से, है ना, चार आदमियों को खाता है, पर काम करते समय आधे की भी ताकत नहीं लगती इससे। शांत हो जा। हरिओम। वो साई जब मुझे देखता है ना तो लगता है वो मेरा उपहास कर रहा है, हंस रहा है मुझ पर। दादा, छोटे लोगों को महत्व देकर क्यों इतना बड़ा बना रहे हो तुम? नहीं चिवो, नहीं, वो मेरे गले का कांटा बन गया है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए उससे। यदि आज कोई उसकी हत्या कर दे तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। कितने दिनों बाद मंदिर जाके आरती कर सकेंगे और भोग भी लगा सकेंगे। चलिए। मुझे मुक्ति चाहिए उससे। यदि आज कोई उसकी हत्या कर दे तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं ये कर दूं तो संभव है कि कुलकर्णी सरकार मुझे अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दे दे। हे भगवान, क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? मैं जो सोच रहा हूं वो सोचना भी पाप है। पुत्र महाबलदाई, मुझे अपने पत्नी के पास जाना ही होगा। उसे जरूरत है मेरी। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा।
और आके तुम्हारे पास रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो करूंगा, फिर चाहे वो साईं क्यों ना हो। यही समय है, गांव के लोग मंदिर में होंगे, अगर साईं खंडर में मिले तो अभी क्या भी। गोपाल, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम बाल गोपाल के नाम पर गोपाल रखेंगे। इसे क्या हो गया? जैसे किसी से भाग रहा है। क्या सोच रही हो भाई साहब? पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे भी भाई तो था जिसने साई को पत्थर मारा था। नहीं भाई साहब, इस बेचारे का क्या दोष? पीढ़ी दर पीढ़ी इसके परिवार ने कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम किया, इससे ज्यादा मजबूर, इससे ज्यादा कमजोर, इससे ज्यादा झुके हुए इंसान को मैंने आज तक इस गांव में नहीं देखा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि दास प्रथा कब खत्म होगी। खत्म तो तब होगी ना जब कोई खत्म करने की शुरुआत करेगा। मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। उसकी गोद में वो बच्चा, मैं कैसे मार देता उसे। तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब करके लोगों को वश में कर लेता है। हो सकता है साईं ने अपने मायाजाल में मुझे फंसा दिया हो। ये भी हो सकता है कि उसकी गोद में जो बच्चा था वो असली ना हो, तो फिर ऐसे माया हुई बच्चे के कारण मैं क्यों वो ना करूं जिससे मुझे अपने असली बच्चे के पास जाने का मौका मिल सकता है। तुमने इतने बड़े पाप से बचा लिया मुझे, लेकिन अब मैं क्या करूं?
साई को भले ही नहीं मारा, लेकिन फिर भी ये आरोप तो अपने सर ले ही सकता हूँ। मेरे पास यही एक मौका, और वो मैं गवा नहीं सकता हूँ। कुलकर्णी सर का मुझसे खुश होकर शायद मेरी बात मान जाए, या फिर वो इतने खुश हो जाए कि मुझे इस दास प्रथा से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। जानता है तू क्या कह रहा है? तूने इस कुल्हाड़ी से मतलब टुकड़ों टुकड़ों में क्यों? किस लिए? सरकार आपने कहा था ना कि कोई साई को मार दे तो आप, मुझे लगा ये सब सुनकर आप खुश होंगे। अरे मोर, वो तो मैंने कहा था इसका अर्थ ये नहीं कि साई को वास्तव में कोई हरिओ। अरे मैं उससे उब चुका था इसलिए वो शब्द मेरे मुंह से निकला है। विवाह कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेता। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसे तू मेरा दास है। दास, दास का अर्थ समझता है? मुझसे पूछे बिना तेरा सांस लेना भी वर्जित है। और मुझसे पूछे बिना तूने हरिओम। मुझे अपने परिवार के पास जाने दीजिए। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपने परिवार को कहीं खो ना दूं। बीवी से मिलने के लिए किसी को जान से मार दिया। अरे देवा, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, वो राणू जी, वो तो वही रहता है। उसने साई मर गया है, मेरी समस्या तो दूर हो गई। अब मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि कोई मुझ पर ना उंगली उठाए। अगर मैं पता ही ना चलने दूं कि हत्या मेरे दास ने की है तो सरकार मेरी बीवी से मिलने के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए सरकार। कान खोल के सुन ले, ये अपराध तूने अपनी इच्छा से किया है।
और जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तू बाहर गया तो सबको तुझ पर संदेह होगा, और जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तुझे यही रुकना होगा। यदि कहीं विवाह का नाम सामने आ भी गया तो मैं आरोप की गठरी उसके सिर पर रख दूंगा, और पुलिस को सौंपने से पहले मैं सबके सामने विवाह को दंड भी दूंगा, ताकि कोई मुझ पर संदेह ना करे। हरिओम। हे कंडोबा जी, इनको इस महापाप से बचा लीजिए। इन्होंने भले ही विवाह को आदेश न दिया पर इन्होंने उसकी इच्छा व्यक्त की थी, और वो अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो भी हुआ है वो इनके कारण ही हुआ है। किसी ने साई की हत्या कर दी, मार दिया साई को, किसी ने मार दिया साई को, कोई मां बाप करके चला गया, किसी ने साई को हमसे छीन लिया, मार दिया साई को। रानू जी क्या कह रहे हैं आप? किसी ने साई को मार दिया साई को। साई को मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? साई को मार दिया? देखो द्वारका भाई में क्या हुआ है, कौन निर्दयी था? ऐसे बेरहमी से मारा मेरे साई को, टुकड़े कर दिए। टुकड़े कहीं किसी जंगली जानवर ने तो नहीं? अरे हो सकता है किसी इंसान ने ऐसा किया हो जो साई से इतनी नफरत करता। साई से इतनी नफरत तो सिर्फ फूल कर ली। मरना है क्या तुम्हें? सच नहीं हो सकता,
साई पर कोई आज भी आती है तो उसका आभास मुझे हो जाता है। फिर इस बार भी तो होता नहीं। भाई साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे वहां जाना है, मुझे अपनी आंखों से देखना है। मत जाइए भाई साहब का, आप देख नहीं पाएंगी। मुझे जाना है वहां। भाई साहब यहीं रुकिए, हम लोग जाकर देखते हैं। बेटा है वो मेरा, मुझे जाना है, मुझे देखना है उसे। भाई साहब आप रुकिए, छोड़िए मुझे। भाई साहब मुझे साई के पास जाना है, छोड़िए मुझे। भाई साहब पूरे गांव में खबर फैल चुकी है कि साई की हत्या कर दी है किसी ने। यही सही समय है वहां जाने का। नहीं नहीं सरकार, मुझे दोबारा मत ले जाइए वहां सरकार, मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा सरकार। मुझे कौन है तो? कौन है तू? दास है तू मेरा, दास। और दास कभी निर्णय नहीं देते। ये वही करना होगा जो मैं कहूंगा। हरिओम, इसे लेकर चलो। नहीं सरकार, मुझे घर जाना है सरकार। सरकार मुझे डर लग रहा है सरकार। सरकार मुझे चुप दीजिए, मुझे घर जाना है सरकार। मुझे छोड़ दीजिए। रानू जी क्या कह रहे थे? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साई के खिलाफ ऐसी अफवाह फैलाने की? तुम्हारे भूत से साई के लिए अपशब्द निकले ही कैसे? साई ने तुम्हारी इतनी सेवा की है, जब पूरे गांव ने तुम्हारा अस्वीकार किया था, तो साई ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें रोग से मुक्त किया, और उसके बदले में तुम्हारे मन में साई के लिए ऐसे विचार आए ही कैसे? साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। सुनो, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं ये खबर सरकार को सुना के आता हूँ। सरकार, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। साई जिंदा है, मतलब मैंने जो देखा था वो, इसका मतलब है कि मुझे सजा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब कुलकर्णी सरकार मुझे छुट्टी नहीं देंगी, मैं अपने पत्नी के पास नहीं जा सकूंगा। तू कुलकर्णी सरकार से झूठ बोल रहा था, इसलिए अपनी छुट्टी के लिए? नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विश्वास करिए मेरा। और मैं अकेला नहीं, वो राणू जी वो भी तो कह रहे थे। आंखों से देखा?
इसका क्या मतलब है? तू कह रहा था कि तूने किया। ले चलो इसे। तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगा? चल। ऐसी अफवाह फैलाने से पहले तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम सपना देख रहे थे। भाई साहब, अब मैं साई के बारे में ऐसी झूठी बात क्यों फैलाऊंगा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप लोगों को कैसे समझाऊं, जबकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। अब ये रहस्य तो सिर्फ साई सुलझा सकते हैं। इतने लोग यहां, सब ठीक तो है ना? रानो जी, आपको साई के साथ और गांव वालों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमें राणो जी पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राणो जी साई की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा से इस खंडर में रह रहे हैं। तो फिर ये बुरी खबर क्यों फैलाएंगे साई के बारे में? जरूर जरूर कोई धोखा हुआ है। बड़े बुजुर्गों को पूछेंगे तो यही कहेंगे कि ऐसे बुरे सपने का मतलब है कि साई की उम्र अब 100 साल की हो गई है। लेकिन सपना नहीं था वो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने साईं के बारे में ऐसा सोच सकता हूं? मैं साईं, साईं आप तो जानते हैं ना मैंने क्या देखा है। आप बताइए ना इनको। बताओ सामने से, बताओ। अकेले थे तो गांव के लिए समस्या बन जाया करते थे, अब तो एक जमुराबे साथ में हो गया है तुम्हारे। चल क्या रहा है, क्या जा रहे हो गांव वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके? मुझे नहीं पता था कि मेरा और राणो जी का इतना महत्व है आपके लिए। महत्व शिरडी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का है। महत्व शिरडी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। शिरडी में कुछ अनुचित ना हो, महत्व उसका है। शिरडी में होने वाली छोटी बड़ी प्रत्येक घटना के लिए मैं उत्तरदायी हूं। और ये मत भूलना कि ये मेरी शिरडी है। शिरडी आपकी है? क्या आप खुद को शिरडी का राजा समझते हैं? नहीं, समझता नहीं हूं, मैं राजा हूं। अगर आप राजा हैं तो हम सब आपकी प्रजा हुए, है ना? अगर आपकी प्रजा आपसे कुछ मांगे तो क्या आप दे सकेंगे? निर्भर करता है कि क्या मांगा जाता है। चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो यहां मौजूद है।
मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है, तो मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वो मेरा हो जाएगा। मुझे ये इंसान चाहिए। ये आपका है ना? हाँ, ये मेरा दास है। इसे मुझे सौंप दीजिए। ये तुम्हारे किस काम का? ये मेरा दास है, इसके पूर्वज भी मेरे पूर्वजों के दास थे। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा के लिए क्या असंभव? और आपने वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। ठीक है, दिया। अरे ओ, आज से तू इसका दास है। पहली बार देख रहा हूं किसी बैरागी को दास को रखते हुए। अब ये भी देखता हूं कि तू कैसे पालता है इस दास को। तेरे अपने खाने का तो ठिकाना है नहीं, भिक्षा ले लेके अपना पेट भरने वाला दास का पेट कैसे भरेगा? तुम्हें पता नहीं है कितना खाता ये। दो दिन में तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी और अपने आप लेके आएगा तू इसे मेरे पास। हरि ओम। बाजमा अप्पा जी, मालसापति जी, आप लोग घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्लाह हाफिज़। साईं, अब पानी लेकर आता हूं।
से मैं आपका दास हूं, आपका हर आदेश मैं मानूंगा, लेकिन लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं कल रात यहां आया था, आपकी हत्या करने और शायद कर भी दे था, लेकिन मैंने देखा कि आपका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में कटा है। मैं जानता हूं आप जानते हैं तो मुझे क्यों मांगा? क्या आप मुझे सजा देना चाहते हैं? मुक्त करना चाहता हूं तुम्हें इस दास प्रथा से। मुक्त करना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार को इस पाप से। मुक्त? यही है ना तुम्हारे दास होने की पहचान? बचपन में ही पहना दिया जाता है। अगर कोई दास कभी भाग भी जाए तो इससे उसकी पहचान की जा सकती है। तुम उस पहचान से, यही तुम्हारे दास होने की पहचान थी ना? अब से तुम्हारी एक ही पहचान होगी विवाह, कि तुम एक इंसान हो बाकी सबकी तरह। सही, आपने मुझे गुलामी से मुक्त कर दिया साईं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं साईं? जाओ बीवा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है, जाओ उसके पास। साहिब, कल रात जो मैंने देखा वो क्या था? भीवा, ये जो हमारा मन है ना, ये हर कार्य को करने का सामर्थ्य रखता है। आजीवन तुमने दूसरे के आदेशों का पालन किया है, लेकिन जिस पल तुमने अपनों के पास जाने का निश्चय किया वो निश्चय दृढ़ हो गया। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास रखकर साफ मन से कोई निश्चय करता है तो पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है। अपराध करने की तुम्हारी कोई मंशा नहीं थी, परिस्थितियों ने तुम्हें विवश किया।
लेकिन सृष्टि के खेल हिला ले, तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर के टुकड़े दिखाई दिए। जब कोई अपना मन एकाग्र कर लेता है तो असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है। रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी भी केवल नाम मात्र की रह जाती है। उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ उद्देश्य और खुद पर विश्वास। अच्छा ही हुआ ना दादा, कहीं उस ढोंगी ने कोई बड़ी या महंगी चीज मांग ली होती तो। एक दास ही तो था, एक दास ही तो था। चू वही तो, साई मुझसे कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी, तो उसने केवल एक दास क्यों मांगा? और वो दास जो उसे मारने की योजना बना रहा था, इसमें उसकी क्या चाल हो सकती है? सरकार, 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 आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या हुआ। वो भीवा है ना, भीवा, वो अपने घर चला गया अपनी पत्नी के पास। साई ने उसे दास होने से मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया उसे। ये तुझे भीवा ने बताया? भीवा ही नहीं, गांव में सब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि साई ने भीवा को मुक्त कर दिया। समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर उसे जाने ही देना था तो साई ने उसे मांगा ही क्यों? केवल हमारे परिवार के पास ही दास थे। साई, तुमने मुझसे भीवा को लेकर उसे मुक्त करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि तुम उससे कुछ भी छीन सकते हो। अच्छा है? अरे ओ, अच्छा है। देखता हूं तू मुझसे और क्या क्या छीन सकता है। मैं भी देखता हूं तू कितना शक्तिशाली। आनंद आने वाला है इस नए युद्ध में, मुझे बहुत आनंद आने वाला है। हरिओम। विद्यालय के बाद हमने सोचा हम आपसे मिलने चले आते हैं। आओ, आ जाओ। पर मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है? खाने के लिए क्या क्या चाहिए ये पूछो। साई तो एक से एक पकवान खिला सकते हैं, है ना साई? बिल्कुल ठीक, ये द्वारका माई है और यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जा सकता। रुको, ये लो। इतने सारे लोग एक साथ, सब ठीक तो है ना? आप लोग पेरू खाएंगे?
लाओ तुम वो वाला तुम। सब चाहते हैं कि आपके पास बैठे कुछ सीखे आपसे ज्ञान प्राप्त करें। हम लोग यहाँ खेलने आए थे साई के साथ। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए विद्यालय जाइए ना। साई हम पास के गांव से आए हैं, ज्ञान सभा के लिए कोई और समय दे दीजिए, हम लोग फिर से आ जाएंगे। ज्ञान तो राम नाम से शुरू होता है और राम नाम पर खत्म। इसके लिए किसी सभा की जरूरत नहीं और ना ही कोई समय तय किया जा सकता है। ज्ञान तो जीवन के प्रत्येक पल में निहित है। अभी हम पर निर्भर करता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा मन कितना साफ है और दिल कितना खुला हुआ। Thank you.
साई, साई रक्षा करिए, साई साई मेरी जान बचाइए। आप कौन? आओ। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, पता नहीं मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊंगा। ईश्वर ने ही आपको भेजा मेरी सहायता करने, नहीं तो अचानक इस वन में आप मुझे तभी क्यों मिलते जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी। इसे ही चमत्कार कहते हैं। तुम कुछ खाओगे? मेरे पास कुछ है। हमारा उपवास है। वैसे तुम किसे पुकार रहे थे? साई साई कुछ चमत्कार कर दो। साई शिरडी वाले, वही तो ईश्वर का रूप है इस धरती पर। ईश्वर का रूप? और ये शिरडी है कहाँ? बस यहाँ से कुछ मील दूर। आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो एक बार शिरडी जरूर जाइएगा। बड़े ही भले लोग हैं वहाँ, जैसे कि गांव के पाटिल अप्पा जी, बड़े ही विनम्र है, और गांव के मुखिया मेरे पुराने मालिक कुलकर्णी सरकार। गोरे सरकार के लोग भी कुलकर्णी सरकार को बहुत मानते हैं, और कुलकर्णी सरकार खानदानी वैद्य है, अनेक रोगों का इलाज कर लेते हैं वो। साई, उसके बारे में कुछ और बताओ। वो खुद को बैरागी कहते हैं, लेकिन वो भी इलाज कर लेते हैं सबका। बस उनके इलाज का ढंग थोड़ा अजीब है। जैसे कि गांव में एक मोनी लड़की थी, उसको पत्थर फेंक के मारा और वो ठीक हो गई। एक कुष्ठ रोगी था, उसका भी इलाज साई ने कर दिया। एक व्यापारी है काशीराम, उसको साई ने मौत के मुंह से खींच के निकाला। साई जो दिखते हैं वैसे वो है नहीं, उससे बहुत ज्यादा महान है वो। अगर साई ना होते तो मैं भी इस दास प्रथा से कभी आजाद ना हो पाता। पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो। आपका धन्यवाद, मैं चलता हूं। वाह, इसने साई के बारे में जो कहा, क्या संभव है कि ऐसा इंसान हो सकता है? क्या ऐसे चमत्कार कर सकता है वो? हो सकता है कि वो भी हमारी तरह एक ठग हो। हो सकता है हमारे जैसा हो, लेकिन हमसे अच्छा नहीं। और ये शिरडी, ये शिरडी हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है, जहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं। किसी साई को एक चमत्कारी बाबा मानकर उस पे विश्वास कर रहे हैं, और जहाँ अंधविश्वास
वहां के हम सिकंदर। और ऐसे अंधविश्वासी लोगों से माल लेना बहुत आसान होता है। गिर गिर कर टूट जाएंगे। पढ़ाई भी करनी है, गुरुजी ने जो काम दिया है वो भी खत्म करना है। लक्ष्मी, साई, लाओ मैं मदद करता हूँ। आप गोबर को हाथ मत लगाइए, गांव में ये काम मैं और आई ही करते हैं। बाकी कोई भी गोबर को हाथ नहीं लगाता है। अगर मैंने आपको ऐसा करने दिया तो गांव वाले मुझे और मेरे आई को सजा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? रखो इसे, पकड़ो। अगर शिरडी वालों ने पूछा कि हमने शिरडी गांव क्यों चुना है तो क्या मतलब? मतलब ये कि उस गांव में पहले से एक कुलकर्णी है जो कि एक वैद्य भी है, और दूसरी तरफ वो फकीर जिसने रानो जी, मोनी और काशीराम का इलाज किया है। तो हमारा उस गांव में क्या काम? मतलब ये कि हमारी कोई जरूरत तो होनी चाहिए ना वहां। जिंदगी में कामयाब होना है तो लोगों में अपनी जरूरत पैदा करनी पड़ती है। हम ये कहेंगे कि हम वहां अपनी मर्जी से आए हैं, हमारे इष्ट देवता के आदेश पर हम आए हैं। लोगों को पत्थरों में भगवान होने का विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। शिरडी में अगर कोई महत्वपूर्ण आदमी है तो वो है कुलकर्णी। एक बार कुलकर्णी अपने चंगुल में आ गए तो बस शिरडी लूटना आसान हो जाएगा। हम शिरडी में कुलकर्णी सरकार के कृपा से ही बसेंगे। शिरडी वासियों, हमारे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, अपनी अपनी तिजोरियां खोल के रख दो। वो आदमी कह रहा था, कौन है वो? अप्पा पाटिल। अप्पा पाटिल? हाँ, लगता है ये अप्पा पाटिल वही है जिसके पास वो पुश्तैनी हीरे जड़े खंजर है।
लोग कौन हैं? पहले कभी नहीं देखा मैंने इनको। शिरडी के लोगों को कुछ पाठ पढ़ाने आए हैं। पाठ? कैसा पाठ? जैसे आप पढ़ाते हैं या गुरुजी? पाठ तो हर कोई पढ़ा सकता है लक्ष्मी, अभी हम पर निर्भर करता है कि हम किसी से क्या सीखते हैं। मुझे लगता है शिरडी के लोगों को कोई बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जाने वाला है। कुछ लोग हमें संभाल कर संभलना सिखाते हैं, कुछ लोग गिरा कर संभलना सिखा जाते हैं। किसी का भी हमारे जीवन में आना अकारण नहीं होता। जो भी हमसे मिलता है उसकी इस जीवन में कोई ना कोई भूमिका जरूर होती है।